हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। बेसिकली आज आपके साथ जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पार्ट है आपके यूपी लोकल लॉस के अंतर्गत। अगर हम यूपी लोकल लॉस की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा, अगर जो बात की जाती है यूपी पीसीएस जे के अंतर्गत तो वहाँ पर मेंस पेपर के अंदर ये एक अहम रोल अदा करता है, और अगर हम बात करते हैं यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज की तो वहाँ ये सिर्फ ना प्री के नज़रिए से बल्कि मेंस के नज़रिए से भी एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करता है। तो कुल मिला के टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये समझने वाली बात है कि आपका जो लोकल लॉज है जिसके अंदर टोटल 6 पेपर आपके एक से बढ़कर एक हैं, अगर उन सभी की कंबाइंड स्टडी की जाए तो इनका जो वेटेज होता है वो आपके यूपी पीसीएस जे के मेंस पेपर के अंदर, अगर हम लॉ पेपर 5 की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका जो वेटेज है वो है आपका तकरीबन 150 नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कि चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम इस लोकल लॉज के अंदर 6 अलग अलग एक्ट को देखते हैं तो हर एक्ट का अपना एक कॉन्सेप्ट है, हर एक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट है और हर एक्ट के अंदर आपको डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि हम मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो वहां पर सारी चीज़ों के साथ आपको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है और सिर्फ उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। इस रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी यूपी लोकल लॉ से रिलेटेड सेकंड बैच आपका चल रहा है, जहां पर आजकल पंचायती राज एक्ट 1947 के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब अगर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 का जिक्र करता हूं तो इसके अंतर्गत टोटल 9 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं और सेक्शंस की जो संख्या है वो होती है 119। लेकिन आपको पूरे के पूरे 119 सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर गिन के आपने मात्र 24 सेक्शन के ऊपर भी अपना कमांड कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 से कोई भी सवाल आपसे मेंस एग्जाम में पूछेगा तो वो इन्हीं 24 सेक्शन के अंदर से आएगा या इसके इर्द गिर्द होगा, उसके बाहर के पूछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा सेक्शन है जो आमतौर पे आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ग्राम सभा। अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो अक्सर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है और इवन UPHGS के अंदर भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से ये सेक्शन आपका महत्वपूर्ण है। अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ग्राम सभा का गठन, अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत बात करते हैं तो उसके गठन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू फॉर्म अ ग्राम सभा। अब सवाल ये है कि जब हम ग्राम सभा का निर्माण करते हैं तो क्या उसके अंदर सिर्फ एक गांव को शामिल किया जाता है या एक से ज़्यादा गांव को शामिल किया जाता है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि यूजुअली जो ग्राम सभा का गठन किया जाता है उसके अंदर गाँव की संख्या एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर आने वाले वक्त में कभी भी राज्य सरकार को लगता है कि हमें एक ग्राम सभा का गठन करने की ज़रूरत है तो आमतौर पे सबसे पहले वो राज्य सरकार गांव को सिलेक्ट करेगी और वो गांव एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके बाद बाकायदा उससे संबंधित नोटिफिकेशन ऑफिशियली गजट के अंदर पब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब राज्य सरकार एक ग्राम सभा का गठन करती है तो उसे उस ग्राम सभा का कोई नाम भी रखना होगा। अब मान के चलिए कि अगर ग्राम सभा के अंतर्गत एक ही गांव है तो जो भी नाम उस गांव का होगा ग्राम सभा का भी नाम वही रखा जाएगा, लेकिन जो अगर गांव की संख्या एक से ज़्यादा है किसी ग्राम सभा के अंतर्गत, तब यहाँ पर एक दुविधा पैदा हो जाती है और उस दुविधा को आखिर हल कैसे किया जाएगा, आखिर हम किस गांव के नाम के आधार पे उस ग्राम सभा का नाम रखेंगे? तो इसका जवाब सेक्शन 3 के प्रोविजो में बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपको बताया गया है कि आमतौर पे अगर किसी भी ग्राम सभा के अंतर्गत गांव की संख्या
एक से ज्यादा होती है तो आमतौर पे जिस गांव की पॉपुलेशन या जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उस गांव के नाम के आधार पर ही उस ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका सेक्शन 3 है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ना ही सिर्फ आपके यूपी पीसीएस जे बल्कि आपके यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के नजरिए से भी। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 13, सेक्शन 3 ऑफ द उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 और ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू पे सेकंड बैच इससे रिलेटेड चल रहा है जहां पे हर दिन सुबह 7 बजे आपकी क्लास को कंडक्ट किया जाता है। अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू।